शासकीय प्राथमिक विद्यालय गोसीपुरा में बीते रोज स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण एक मासूम को करंट लग गया। करंट लगने के बाद मासूम की जान खतरे में पड़ गई। हड़बड़ाए शिक्षक इस बीच सड़क पर खड़े होकर ऑटो को रोकने के लिए जद्दोजहद करते रहे। बताया जा रहा है कि इस बीच शिक्षकों ने कृत्रिम सांस देकर बालक को जैसे तैसे जान बचाई। इसके बाद मौके पर पहुंचे एक जागरूक युवा रवि यादव ने तत्काल बालक को अस्पताल पहुंचाने में मदद की, तब कहीं जाकर उसकी जान बचाई जा सकी। इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। करंट के तार स्कूल में बच्चों की पहुंच से बाहर होने चाहिए, लेकिन उनका खुला छोड़ा गया है। यही वजह है कि करंट लगने से बालक घायल हो गया। क्योंकि करंट लगा था, अंदर था, मैम वगैरह सारा कुछ था, तो उन्होंने बुहार लगा रही थी बाहर, टैक्सी वगैरह भी रोक रही थी। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, तो एक लड़के अफजल ने मेरे को फ़ोन लगाया कि रवि उसका करंट लगा है उसको। तो मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, इस चक्कर में थोड़ा सा मेरे को एक्सपीरियंस है, तो मैं उसके पास जल्दी से आया। मैंने उसको देखा, अभी इसमें जान है, तो मैं इसको जल्दी से सरकारी हॉस्पिटल में लेके गया। मैंने उसको एडमिट कराया, फिर वो अभी ठीक है।